लेट्स डिस्कस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल होने को हम बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। प्री सिनेप्टिक जो टर्मिनल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वेसाइकल्स होती हैं इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्स। क्योंकि केमिकल सिनेप्स ही ज़्यादा कॉमन होता है इसलिए हम उसी के ट्रांसमिशन को इसमें मेनली पढ़ते हैं। तो ये है आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में यहाँ पर वेसाइकल्स होती हैं और उन वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जेटिक प्रोसेस है इसलिए इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये है हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जहाँ पे इनका आपस में कनेक्शन होता है। प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, थिकनिंग होती है बेसिकली ये, और इन थिकनिंग के एरियाज पर ही यहाँ पर ये मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन है वो इन वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो सिक्रीशन इन्हीं एरियाज में होता है। इन एरियाज को हम बोलते हैं एक्टिव जोन्स। और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं और इसको हम बोलते हैं पोस्टसिनेप्टिक डेंसिटी। ओके, अब ये जो वेसाइकल्स हैं, ये तीन तरह की वेसाइकल्स होती हैं। एक स्मॉल दो इसमें से स्मॉल है, एक लार्ज है। कैसे याद रखेंगे? एक होती है स्मॉल क्लियर वेसाइकल्स, क्लियर बल्कि इसको हम बोलते हैं क्लियर कोर वेसाइकल्स, स्मॉल डेंस कोर, लार्ज डेंस कोर। ओके, इनमें से जो लार्ज डेंस कोर होती हैं उनसे न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीट होता है, जो आपकी स्मॉल डेंस होती हैं उनसे कैटेकोलामाइन सिक्रीट होता है, और जो स्मॉल क्लियर कोर हैं उनसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, लाइक एसिटाइलकोलीन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट एक्सेट्रा। ओके, तो डिफरेंट तरह की इसमें वेसाइकल्स हो सकती हैं। अब जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है, उसमें क्या इसमें प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ पर कोई एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली अ मैसेज जो कि एक न्यूरॉन्स में पूरा स्प्रेड हो रहा है और अब सिनेप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। तो जब भी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर कैल्शियम के चैनल्स होते हैं। ओके, तो जब ये एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये कैल्शियम चैनल्स ये ओपन हो जाते हैं और इनके थ्रू कैल्शियम कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है अंदर, और यहां पर जो वेसाइकल्स हैं इन वेसाइकल्स से ये कैल्शियम बाइंड करता है और इन वेसाइकल्स को ये नियर बाई टू दिस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लाके यहाँ पर इसको अटैच कराता है और इसको रिलीज कराने में, जो इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज कराने में हेल्प करता है। अब ये जो वेसाइकल्स हैं ये जब यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर ये कैसे अटैच होती हैं, इसके लिए एक जैसे ये वेसाइकल है आपकी, इन पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती है और जो ये आपकी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो ये न्यूरॉन है ना, ये वाला न्यूरॉन, इस न्यूरॉन की पोस्ट जो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसको ऐसे बना लेते हैं, हम ब्लू से बना देते हैं, ये है हमारी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
यानी यहाँ से रिलीज होना है, पोस्ट सिनेप्टिक इसके बाद में होगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो वेसाइकल की प्रोटीन है उनका नाम है वी स्नेयर प्रोटीन, और जो यहां आपकी ये पोस्ट जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिनका कनेक्शन आपस में इनका कनेक्शन होता है और ये डॉकिंग एंड प्राइमिंग कराती है। डॉकिंग मतलब यहां पर अटैच होना प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, और प्राइमिंग मतलब दे आर रेडी टू डिस्चार्ज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। सो प्राइमिंग, डॉकिंग एंड प्राइमिंग ये प्रोसेस होता है यहाँ पर, जिससे कि ये यहाँ से रिलीज हो सके, जो न्यूरोट्रांस मतलब यहाँ पर अटैच हो सके और इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो सके। तो वी स्नेयर जो प्रोटीन होती है, वी स्नेयर का नाम है दूसरा सिनेप्टो ब्रेविन प्रोटीन, सिनेप्टो ब्रेविन प्रोटीन होती है। और ये टर्मिनल मेम्ब्रेन है, तो टर्मिनल मेम्ब्रेन का टी हो गया, इसमें जो प्रोटीन है वो है टी स्नेयर प्रोटीन। तो वी स्नेयर इज फॉर वी फॉर वेसाइकल, जो वेसाइकल पे है जिसका नाम दूसरा सिनेप्टोब्रेविन भी कहते हैं। टी स्नेयर जो है टर्मिनल मेम्ब्रेन पे, कौन सी मेम्ब्रेन पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और ये जो टी स्नेयर प्रोटीन है सिंटेक्सिन एंड स्नैप 25। तो ये वी स्नेयर एंड टी स्नेयर इनके बीच में इंटरैक्शन होने की वजह से ये वेसाइकल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके अटैच होती है और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराने में हेल्प करती है। तो ये डॉकिंग एंड प्राइमिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। अब यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एक यहां पर क्या होता है, जैसे ये वेसाइकल यहां पर अटैच होगी, ये वेसाइकल यहां पर अटैच होगी, यहां पे सिर्फ थोड़े से एरिया से ये एक होल करवाती है, जो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे थोड़ा सा होल कराती है और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहां पर रिलीज हो जाता है और वापस इसकी रीसीलिंग हो जाती है, मतलब सिल जाता है और ये अपनी वापस एंडोसाइटोसिस की हेल्प से ये वेसाइकल इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वापस ले ली जाती है। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसने कट किया और वापस चली गई है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं किस रन डिस्चार्ज या किस रन प्रोसेस, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है फ्रॉम द वेसाइकल्स वो किसके थ्रू हो रहा है, किस एंड रन डिस्चार्ज के थ्रू, ओके, और फिर ये यहां पर रिलीज हो जाता है। तो अगर मैं इसको एक एरो डायग्राम के फॉर्मेट में बोलूं कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो प्री सिनेप्टिक इवेंट है वो क्या है, मतलब ये अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या क्या चेंजेस हुए, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल एंड रीच टू प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल तक ये आपका आ गया। उसके बाद क्या हुआ, कैल्शियम चैनल्स ओपन, उसके बाद क्या हुआ, कैल्शियम इनफ्लक्स, उसके बाद क्या हुआ, ये कैल्शियम जो है वो बाइंड टू द वेसाइकल्स, उसके बाद जो वेसाइकल्स हैं दे विल अटैच टू प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, and there is release of neurotransmitter by which process, kiss and run discharge, okay। So this is the arrow diagram of the synaptic transmission। ये कौन सा है, presynaptic, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके इवेंट है, तो प्रीसिनेप्टिक इवेंट्स है ये आपके, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज 20-40 नैनोमीटर इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्स, ये केमिकल सिनेप्स का हम प्रोसेस पूरा पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है और पोस्ट सिनेप्टिक जो ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं ये हम पढ़ेंगे। और अभी यहाँ पर वी स्नेयर एंड टी स्नेयर बोथ आर द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स फॉर दी
वेसाइकल फ्यूजन टू द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द ट्रांसमिट ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.